हेलो स्टूडेंट वेलकम टू ऑटिंग क्लासेज तो अगर आप बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के छात्र एवं छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज हम बताएंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे भरें प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखे क्योंकि अधिकांश बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि प्रैक्टिकल कॉपी को अच्छे तरीके से कैसे भरें तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट में होता है तो आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में तो आज मैं कॉपी दे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए बच्चों हमारे पास जो कॉपी है वो है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का दो प्रैक्टिकल कॉपी है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये यह मार्केट में मिल जाएगा तो आप मार्केट से ये ले लीजिएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे भरना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिखा होगा स्कूल का नाम रोल नंबर क्लास और सेक्शन लिखा होगा तो सबसे पहले आप ये भर लीजिएगा चलिए अब देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे भरना है तो देखिए प्रैक्टिकल कॉपी में आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिकल कॉपी के साथ में सबसे पहले आपको एक बुक दिया होगा इसी बुक से आपको प्रैक्टिकल कॉपी को भरना है सेम टू सेम इस बुक से आपको इस प्रैक्टिकल कॉपी में भर देना तो सबसे पहले देखिए हमारा जो फर्स्ट पेज है प्रैक्टिकल का यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम लिख देना है यहाँ पर प्रायोगिक विषय लिख देना है वहाँ यहाँ पर वर्ग दसवा लिख देना है और सेक्शन जो आपका स्कूल में होगा आप जिस सेक्शन में भी हो वो लिख दीजिएगा और जिनका क्रमांक देखिए यहाँ यहाँ पर जो रोल नंबर होगा वो लिख दीजिएगा अब किस सेशन में यहाँ पे एग्जाम देंगे वो लिख दीजिएगा कौन से इसमें आप एग्जाम दे रहे हैं वो लिख दीजिएगा ठीक है तो इस तरह से आप इसे भर लीजिएगा चलिए अब देखते हैं हमारा तो यहां पे देखिए तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या भरना है यहां पे आपको का नाम भरना है देखिए तो प्रयोग का नाम आपको मिलेगा तो पे आपको मिल जाए तो देखिए यहाँ पे है प्रयोगिक विज्ञान भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान यहाँ पे तीन सब्जेक्ट होता है साइंस में आपका भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे Osionfish. तो देखिए प्रयोग संख्या वन यहाँ पे आपको प्रयोग का नाम लिखना है और प्रयोग संख्या वन तो देखिए वन में आपको क्या लिखना है दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए दूसरा लिखना है देखिए यहाँ पर लिख देना है ये प्रयोग संख्या ख है यहाँ प्रयोग संख्या क दिया हुआ है तो आप एक, एक कोई सा भी लिख सकते हैं दूसरा में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी आयताकार कांच की पट्टियों से होकर जाने वाली प्रकाश के किरण मार्ग का अनुरेख करना तथा आपतन। देखिए दूसरा दूसरा प्रयोग संख्या में आपको ये लिख देना है जितना तक इसमें हो सके बस आप उतना लिख दीजिए तीसरा में भी देखिए यहाँ पे भी देखिए किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विवांतर पर उससे देखिए यहाँ पे आपको थ्री में लिख देना है किसी प्रतिरोधकों दो सिरों ये आपका भौतिक है इसीलिए आप भौतिक का जितना भी एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे प्रयोग संख्या है उसको उसको आपको यहाँ पे भर देना है ठीक है देखिए इसी तरह से आपको रसायन शास्त्र में भी भर देना है तो देखिए रसायन शास्त्र का यहाँ पे दिया हुआ है देखिए यहाँ पे रसायन का दिया है प्रयोग संख्या वन प्रयोग संख्या टू प्रयोग संख्या थ्री इसी तरह से आपको यहाँ पे भर देना है जितना इसमें हो सके बस आपको उतना ही लिखना है जितना बुक में लिखा उतना मत लिखिएगा जितना आपको यहाँ पे जगह दिया होगा बस आप उतना लिख दीजिए ठीक है देखिए इसी तरह से आपको जीव विज्ञान का भी भर देना है देखिए जीव विज्ञान सेम टू सेम जिस जिस तरह से इस बुक में दिया हुआ है उसी तरह से आपको भरना है ठीक है तो देखिए जीव विज्ञान है यहाँ पे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं देखिए पत्तों की झिल्ली की अस्थाई बनाकर रंधों की उपस्थिति लिख दिया है बस इस तरह से आपको लिख देना है अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे देखिए प्रयोग संख्या वन का क जो लिख रहे हैं आप वही लिखिएगा यहाँ पे आप डेट लिखिएगा यहाँ पे पेज नंबर लिख दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे ज़... सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको राइटिंग अच्छा होना चाहिए राइटिंग बहुत अच्छा करके इसमें लिखिएगा क्योंकि तो राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तो हैंड राइटिंग को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा ठीक है तो देखिए प्रयोग संख्या वन है भौतिकी जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है बस उसी तरह से आपको छाप देना है समझिए कि आपको छाप देना उसी तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है अब देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये डायग्राम आपको नेक्स्ट पेज में बनाना है देखिए किस तरह से बना हुआ है एक स्टूडेंट बनाया हुआ है देख लीजिए डायग्राम यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको डायग्राम देखिए बना बन गया है इसी तरह से आपको इस पेज में डायग्राम बना देना है उसी तरह से आपको यहाँ पे भी लिखना है देखिए प्रयोग संख्या ये टू था इसी तरह से आप प्रयोग संख्या थ्री यहाँ पे लिख दीजिए तो देखिए अगर आपके मन में डॉट रहता है कि आपको कितना लिखना है एक्सपेरिमेंट कितना नहीं लिखना है देखिए इस तरह से आप यहाँ पे भी डायग्राम बना सकते हैं जो डायग्राम आपको प्रयोग संख्या लिखने वक्त आए उस डायग्राम को आप इस नेक्स्ट पेज में बना दीजिएगा ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह से आपको यहाँ पे बना देना है इसी तरह से प्रयोग संख्या फोर हो गया देख लीजिए देखिए यहाँ पे देखिए यहां तक हो गया सबसे पहले आप क्या कीजिएगा यहाँ पे आप पेज को इस तरह से गिन लीजिएगा कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में टोटल पेज कितना है उस हिसाब से आप अपना एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको टोटल पेज यहाँ पर पे गिन लेना है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवेन टुवेल्व थर्टीन फोर देखिए यहाँ पे थर्टीन पेज है इसमें जो हरेंगे प्रयोग संख्या वो थर्टी है तो आपको इसको तीन भाग में डिवाइड करना है कि इसमें देखिए भौतिक रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान एक दो पेज आप यहाँ पे उधर भी दे सकते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आप चार चार पेज लेते हैं तो चार हो गया आपका किसका भौतिक का चार हो गया आपका रसायन शास्त्र का चार हो गया आपका जीव विज्ञान का अब चार चार एक्सपेरिमेंट भौतिक चार एक्सपेरिमेंट भौतिक का लिख दीजिएगा चार एक्सपेरिमेंट आप रसायन शास्त्र का लिख दीजिएगा चार एक्सपेरिमेंट आप जीव विज्ञान को लिख दीजिए ठीक है प्रयोग संख्या जो होता है वही लिख दीजिएगा बस हो गया किसी किसी पेज किसी किसी, -किसी प्रैक्टिकल में ज़्यादा भी पेज रहता है जितना पेज हो उस तरह से आप एडजस्टमेंट करके लिख दीजिएगा ठीक है इसी तरह से प्रैक्टिकल कॉपी भरा जाता है तो ये था साइंस का ठीक है चलिए अब देखते हैं हमारा सोशल साइंस आप को आपको कैसे भरना है ये किसका था साइंस का था लिख लीजिए चलिए अब देख लेते हैं हमारा सोशल साइंस को आपको कैसे भरना है तो देखिए सोशल साइंस में भी आपको वही है देखिए उसी तरह से आपको यहाँ पे नाम सब सब कुछ लिख देना है स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ग लिख दीजिएगा सेक्शन लिख दीजिएगा ठीक है रोल कोड जो आपका हो कॉलेज का वो लिख दीजिएगा ठीक है यहाँ पे देखिए ये दूसरा पे पेज दे दिया है इसलिए देखिए यहाँ पर भी आपको इसमें क्या है देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है मतलब प्रयोग संख्या तो आपको प्रयोग संख्या लिखना है यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको बस उसी को लिख देना है राष्ट्रवाद और यूरोपीय या मानचित्र में बदला बस परियोजना टू में उसमें लिख देना है राष्ट्रवाद का विकास फिर देखिए यहाँ पे भी आप क्या करेंगे सबसे पहले आप पेज काउंटिंग कीजिएगा आपका पेज कितना है उस तरह से एडजस्टमेंट करके आप लिख दे सकते हैं देखिए यहाँ पे चार बुक है सॉरी चार यहाँ पे लिखना है आपको इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति और आपदा प्रबंधन तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं पेज को गिन लीजिएगा उस तरह से आप एडजस्टमेंट करके लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए वन टू हो गया उसी तरह से आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी लिखना है जो एक्सपेरिमेंट जिसका हो उसको लिख देना ठीक है जितना एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे उस तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ठीक है तो देखिए अब प्रयोग संख्या क्या है यहाँ पे वन है अब देखिए प्रयोग संख्या आप वन लेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है इतिहास का है ठीक है यहाँ पे इतिहास का है आपको इस तरह से यहाँ पे भर देना है देखिए राष्ट्रीयता के पहले स्थिति राष्ट्रीयता के बाद की स्थिति इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है जिस तरह से इसमें दिया है बस आपको उसी तरह से इसमें लिख देना है मान के चलिए आपको सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करके बस लिख देना है ठीक है तो आपको इसमें सबसे जो तो बेस्ट होता है वो होता हैड राइटिंग आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए हैंड राइटिंग अच्छा ना भी हो तो उससे टाइम दे के आप हैंड राइटिंग अच्छा बनाइए क्योंकि आपको हैंड राइटिंग इसमें ही नहीं आपके एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है हैंड राइटिंग तो इसलिए आप हैंड राइटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ठीक है तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरना है प्रैक्टिकल कॉपी से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए मैं उसका रिप्लाई देना देने की पूरी कोशिश करूंगी ठीक है आपको इस तरह से पूरा प्रैक्टिकल कॉपी भर लेना है देखिए किस तरह से भरा गया है आपको राइटिंग बहुत अच्छा करना है ठीक है आपको राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए अब तो आपका एग्जाम भी नज़दीक आ गया होगा तैयारी तो चल रही होगी आपका ठीक है रिवीजन हो रही है रिविजन तो हो ही रहे होगा चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग